हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं जुबिन बिबिलेस को कैसे बैलेंस किया जाता है वो बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ 3 मिनट में अपना कैमरा बिबिलेस के साथ बैलेंस कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। जब आप नया बिबिलेस खरीदोगे तो आपको उसके बॉक्स में एक छोटा सा ग्रिपिंग ट्राइपॉड मिलता है और गिम्बल मिलता है, और उसी के साथ हमको 2 बैटरीज, चार्जर और थोड़े केबल्स मिलते हैं। एनीवेज, ये वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं होने वाला है, तो हम सब कुछ साइड में रखते हुए जल्दी से सेटअप कर लेते हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग विद द बैलेंसिंग सेटअप, हमको पता होना चाहिए कि कौन सा टिल्ट रोल और पैन एक्सिस है। तो ये जो फर्स्ट वाला मैंने अनलॉक किया है वो टिल्ट एक्सिस है, और ये जो अभी मैं अनलॉक कर रहा हूँ वो वाला पैन एक्सिस है। और ये वाला एक्सिस है रोलिंग एक्सिस। तो हम इस वीडियो में कैनन ईओएस आरपी विद किट लेंस 28-135 mm वाला किट लेंस यूज़ करने वाले हैं। ये ऑलमोस्ट 1.3 kg वेट का सेटअप है। इस कैमरा को हम इस बिबिलेस के साथ बैलेंस करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि कैमरा होल्डिंग प्लेट जो आता है ना, उसको हमको कैमरे के साथ माउंट करना होता है, और इसको इस तरह से माउंट करना होता है कि एक्चुअल में जो वेट कैमरा का वेट है वो एग्जैक्टली मिडल पे आना चाहिए, ऐसे एडजस्ट करना होता है। यूजुअली कैनन के कैमरा के केस में वो स्केलिंग के अराउंड 3-4 के बीच में आ जाता है, आपको उधर स्क्रू करना होता है, और इन माय केस मैं इसको 4 पे सेट कर रहा हूँ। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली अरेंज करके टाइट करना है ताकि आपका कैमरा ना हिले व्हेन यू आर सेटिंग अप ऑन द गिम्बल। अभी गिम्बल के सारे एक्सेस को अनलॉक करके उसको इस तरीके से सेटअप करना है, फिर बाद में सारे एक्सेस को फिर से लॉक करना होता है। सारे एक्सेस लॉक होने के बाद वेट एडजस्टिंग प्लेट को इसके ऊपर माउंट करना होता है। माउंट करने के बाद आप देख सकते हो कि ये वाला प्लेट टू एंड फ्रो मूवमेंट होते रहता है। नेक्स्ट स्टेप, आपको अपने कैमरा को इसके वेट सस्टेनिंग प्लेट के ऊपर रख के लॉक करना होता है। सारे गिम्बल के लॉक मैकेनिज्म अलग अलग होते हैं। बिबिलेस में जस्ट उसको फ्रंट वाला की प्रेस करके फिर उसको प्लेस करना होता है। एक बार अपना कैमरा प्लेस करने के बाद आगे का स्क्रू टाइट कर लीजिए ताकि अपना कैमरा स्लिप होके ना गिरे। एनीवेज, आपके सारे एक्सिस लॉक है तो ये कैमरा मूवमेंट नहीं होगा और एक ही जगह पर रहेगा। फिर अभी आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आपको टिल्ट एक्सिस को, सिर्फ टिल्ट एक्सिस को अनलॉक करना है। फिर जहाँ पे वेट ज़्यादा होगा वहाँ पे ये आइडियली मूव होगा कैमरा, उस वे पे मूव होगा। फिर आपको इस वाले लीवर को लूज़ करके देन आपको अपने कैमरा को टू एंड फ्रो मूवमेंट करके एडजस्ट कर लेना है। आपको इसको अच्छे से एडजस्ट करना है जैसे कि आपका कैमरा का वेट एग्जैक्टली बीच में आना चाहिए, सो दैट इसको ऐसे आगे की तरफ या पीछे की तरफ ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। श्योर दैट आप कैमरा का कैप, जो लेंस का कैप होता है, वो निकाल के बैलेंस कर रहे हो। अगर आप कोई फिल्टर नहीं तो हुड यूज़ कर रहे हो तो बैलेंस करने से पहले ही आपने कैमरा के ऊपर माउंट कर लीजिए। फिर एक बार वेइंग प्लेट को करेक्टली एडजस्ट करने के बाद अपने कैमरा को अपवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट कीजिए। इस डायरेक्शन में टिल्ट करने के बाद उसको कैमरा को फ्रीली सस्टेन करके देखिए, अगर वो आगे के साइड या पीछे के साइड में अपने आप ही रिपोजिशन करके ले रहा है क्या। अगर अपना कैमरा मूव हो रहा है तो आपको ये वाला जो मैंने राइट हैंड में लीवर जो पकड़ा है उसको लूज़ करके आपको टू एंड फ्रो मूवमेंट, उसको मूवमेंट करके एडजस्ट कर लेना है। एक बार वो एडजस्ट होने के बाद अपना कैमरा इसे 90 डिग्रीज में, जो अपवर्ड डायरेक्शन में ही फेस करके रुक जाएगा। फिर आपको ऐसे उसको मैन्युअली आपको उसको रोटेट करके चेक करना है कि अगर जो भी डायरेक्शन में आप रोटेट कर रहे हो तो वो कैमरा अपने आप वही डायरेक्शन में रुक रहा है कि नहीं। अगर आपका कैमरा स्टेबली एक पोजीशन पे रह रहा है तो आपका टिल्ट एक्सिस जो है वो स्टेबल हो चुका है। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एक्सिस है जिसको हमको स्टेबल करना है। ये फर्स्ट वाला अगर एक्सिस स्टेबल हो गया तो हमको बाकी के एक्सिस स्टेबल करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वंस टिल्ट एक्सिस होने के बाद आपको ये वाला जो अभी मैं अनलॉक कर रहा हूँ, इस एक्सिस को अनलॉक करना है, रोलिंग एक्सिस है।
इस एक्सेस को अनलॉक करते ही आपका कैमरा लेफ्ट या राइट में टिल्ट हो जाएगा अपने आप ही, जहाँ पे वेट ज़्यादा है उस डायरेक्शन में। फिर आपको जो मैं यहाँ पे एरो मार्क दिखा रहा हूँ उस लीवर को लूज़ करना है। फिर अपने कैमरा को लेफ्ट या राइट स्लाइड करके फिर उसको सेंटर में वेट, उसका जो भी वेट है वो सेंटर में आने जैसा एडजस्ट कर लेना है। एक बार वो एडजस्ट होने के बाद आपको ये लीवर को टाइट करना होता है। अभी आप जैसे वीडियो में देख रहे हो हमारा कैमरा जैसे ही फ्रीली सस्टेन हो रहा है तो राइट साइड ज़्यादा मूव हो रहा है, तो अभी हमको लाइटली उसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है ताकि उसका वेट एग्जैक्टली सेंटर में आ पाए। फिर थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद फिर से लीवर को टाइट कर लीजिए। अभी आप देख सकते हो रोलिंग एक्सिस भी बैलेंस हो चुका है, जो भी डायरेक्शन में मैं कैमरा को मूव कर रहा हूँ वही डायरेक्शन पे रह रहा है, वो अपने आप ही ऐसे कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में या अपने आप ऐसे मूव नहीं हो रहा है, जो भी मैं डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो वही डायरेक्शन में रह रहा है। तो इसके बाद वी आर डन विद द टिल्ट एक्सिस एंड रोलिंग एक्सिस। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द पैन एक्सिस। पैन एक्सिस वैसे भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ये इजीली बैलेंस हो जाता है, तो लेट्स क्विकली डू इट। पैन एक्सिस को बैलेंस करने से पहले पैन एक्सिस का लीवर जो होता है उसको टाइट कर लीजिए। फिर इसको एक बार गिम्बल को एक बार उठा के लेफ्ट राइट ऐसे मूव करके देखिए। अगर आपका कैमरा बहुत सा विबल कर रहा है, मतलब बहुत सा रोटेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पैन एक्सिस बैलेंस नहीं है। क्या करना है आपको, पैन एक्सिस का जो भी लीवर है उसको आपको फ्री अप करके पैन एक्सिस का स्केल को फ्रंट मूव करके उसको 0 से 2 को या 2.2 को लेके जाना है। फिर से आपको टेस्ट करना है। अभी आप देख सकते हो पहले से भी बेहतर है, पहले जितना मूव हो रहा था और जितना रोटेट हो रहा था वो थोड़ा कम हो गया, तो मैं फिर से लीवर को रिलीज़ करके फिर से थोड़ा एडजस्ट कर लिया हूँ। अभी आप देख सकते हो जैसे ही मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो कैमरा बहुत ही कम रोटेट हो रहा है, मतलब एकदम स्टेबल सा लग रहा है। इसका मतलब है कि हमारा पैन एक्सिस भी फुली स्टेबल है, पैन एक्सिस भी ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुका है, रोलिंग एक्सिस भी हो चुका है और टिल्ट एक्सिस भी हो चुका है। और बेटर स्टेबिलिटी आपको ये स्टेप फॉलो करना है। अभी जो भी आपके पास गिम्बल है उसको टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन होने के बाद आपको ऑटो ट्यूनिंग पे जाना है, जो आपका डाउन एरो है, एरो की को डाउन जॉयस्टिक जो है ना उसको क्लिक करके बटन को, फिर ऑटो में जाके ऑटो ट्यूनिंग पे क्लिक करना है। फिर आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये डिस्प्ले करेगा ऑटो ट्यूनिंग। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा वाइब्रेशन होता है और मोटर्स विल बी वाइब्रेटिंग, ये एक्चुअल में लोड मेजर करेगा और करेक्टली कैमरा को एडजस्ट कर लेगा जो भी लोड कैमरा का लोड है। ये सारे गिम्बल में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है, दूसरे गिम्बल में इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करके फिर तुमको ऑटो ट्यूनिंग करना पड़ेगा। विबिलेस में जूइन जो है वो विबिलेस विबिल लैब में डायरेक्टली दे देता है मोड्स में। तो इसके बाद आप देख सकते हो हमारा कैमरा कितना स्टेबल रह रहा है, मैं कितना भी मूवमेंट करूँ ये एक ही पोजिशन में रह रहा है। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट आपको करना है जो वेइंग प्लेट है उसको एडजस्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, टिल्ट एक्सिस को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, रोलिंग एक्सिस को अनलॉक करके रोलिंग एक्सिस को एडजस्ट करना है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, पैन एक्सिस को एडजस्ट करना है। और ये तीनों ही सिक्वेंस में करना है, ऐसे रैंडमली कोई भी इसको नहीं करना है। स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे लेकिन आई वॉज अनएबल टू बैलेंस इट, सो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ इसके ऊपर ताकि आपको हेल्प हो पाए। और अगर आप अपना सेटअप जो है वो बार बार चेंज नहीं करते तो एक बार बैलेंस होने के बाद जो भी एक्सिस रीडिंग्स है, जो भी पैन एक्सिस का, रोल एक्सिस का और टिल्ट एक्सिस का जो भी रीडिंग्स है आप नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी स्टेबल करते हो तो आपको बहुत यूज़ होगा। हमारा आउटडोर टेस्ट है,
आप देख सकते हो फुटेज कितना स्टेबल है। मैं भाग रहा हूँ ये कैमरा पूरा सेटअप लेके, गिम्बल लेके, वो ऊपर भी फुल्ली स्टेबल है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।